अब हम क्या करते हैं कि कॉमन एमिटर का पूरा पार्ट कवर किया हम लोग, आरे मॉडल भी हो गया। अब तो कॉमन एमिटर विदाउट आरे और विथ आरे, ठीक है। मैं अब तीन कॉलम में डिवाइड कर रहा हूं। पहला लिख रहा हूं ट्रांजिस्टर इंटरनल पैरामीटर, सेकंड लिख रहा हूं कॉमन एमिटर विदाउट आरे और थर्ड लिख रहा हूं कॉमन एमिटर विथ आरे। बस इतना, तीन कॉलम में डिवाइड करेंगे कॉपी को। थ्री कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। क्या क्या बोला मैं? इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर पहला कॉलम, सेकंड कॉलम कॉमन एमिटर विदाउट आरी, थर्ड कॉलम कॉमन एमिटर विथ आरी, है ना। अब ध्यान से देखिएगा मैं करने वाला क्या। थ्री कॉलम में डिवाइड कर लो आप। आप पूरा लिखना इंटरनल पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो कॉमन एमिटर आपके पास अगर मैं करंट गेन लिख रहा हूं तो मेरे को पता है इंटरनल करंट गेन माइनस आईसी अपन आईबी होता है। बट यहां पे अगर हम बात करें आपके पास कि कॉमन एमिटर का रिजल्ट कितना होता है, तो ये होता है माइनस एचएफई इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड मॉडल, और अगर जनरलाइज की बात करूं तो माइनस बीटा, माइनस बीटा ऐसे लिखूंगा ज्यादा प्रिफेबल होगा, लेकिन माइनस बीटा ही लिखा। यहाँ पे करंट गेन का आंसर माइनस एच ए वी या आर ई मॉडल के टर्म्स में कितना, माइनस बीटा। ये आपके पास करंट गेन का आंसर था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो कॉमन एमिटर में इंटरनल करंट गेन का प्रॉब्लम कभी किसी को हो ही नहीं सकता, माइनस एच ए वी या माइनस बीटा, सिंपल। चाहे विदाउट आ रही हो विद आ रही हो द इंटरनल करंट गेन। अब आ रही की बात करते तो आ रही की बात जो होती है आपके पास वी आई अपन आई बी, तो आर आई का जो आंसर होता है आपके पास वो होता है एच आई ई। और अगर मैं आरई मॉडल की बात करूं तो आरआई का आंसर था आर पाई, इसका था बहुत आर सेम। कॉमन एमिटर विद आरई में अगर आरआई की बात करूं तो ये होता है एच आई ई प्लस वन प्लस एच एफ ई इंटू आरई। आरई लिखूं कि आरएल लिखूं? आरई लिखूं कि आरएल लिखूं? हैं, आरई लिखूं? ठीक है, आरई ही होता है आपके पास, आरएल वारेल नहीं होता है। कॉमन कलेक्टर में होता है वो, किस में होता है? कॉमन कलेक्टर में। इसके साथ कॉमन एमिटर के अगर आपके पास रिजल्ट आपको पता है पहले से, हाइब्रिड मॉडल के रिजल्ट आपके पास आंसर है कि नहीं है, ये दोनों रिजल्ट इसलिए लिखते जाना एक साथ, कॉपी पेस्ट तो कर रहा हूं। देखो ध्यान से, ए वी इक्वल टू वी टू बाई वी वन आपके पास, या वी नॉट अपॉन वी आई, ए वी इक्वल टू AV इक्वल टू ए आई आर एल अपान आर आई या आर एल डी एस अपान आर आई। तो ए आई की वैल्यू आपके पास माइनस बीटा आर एल डी एस अपान आर पाई, और इसको अगर माइनस जी एम आर एल डी एस लिखना है, आप पर डिपेंड करता है, आपके 10-15 सेकंड देखे बहुत सारे अलग अलग आंसर लिखना, अलग अलग आंसर लिख लो ये आपके पास। तो जैसे आपके पास दो टेबल में रिजल्ट क्यों लिख रहा है आपके पास, कि हम ये देख रहे हैं कि अच्छा ये आर ई मॉडल आने के बाद कुछ नया तो हुआ ही नहीं, जो मेरे पास आंसर है बस मेरे को इतना आइडिया होना चाहिए कि एच आई आर पाई होता है, वो तो कर रहा हूं मैं, और एच बी को बीटा लिख दे रहा हूं, अपने आप रिजल्ट चेंज हो जा रहे हैं। तो न्यू रिजल्ट भले चाहे माइनस जी एम आर एल डी एस हो, चाहे न्यू रिजल्ट माइनस बीटा आर एल डी एस अपन आर पाई प्लस वन प्लस बीटा इंटू आर ई हो, बट जो फिक्स है आपके पास जो वोल्टेज गेन का जो रिजल्ट फिक्स है वो ये है ए आई आर एल डी एस अपन आ रहे। अगर मैं आर नॉट की बात करूं कि आउट इम्पिडेंस कितना होगा आर नॉट, तो वी डी सी अपन आई डी सी होता है आपके पास वेन वी एस इक्वल टू जीरो। कॉमन एमिटर आपके पास अगर है विदाउट आरी और विथ आरी तो आर नॉट का प्रॉब्लम नहीं होता हाइब्रिड मॉडल में, इनफाइनाइट। बट अगर आरी मॉडल है तो आर नॉट की वैल्यू स्मॉल आर नॉट भी हो सकता है और आर नॉट की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर अर्ली वोल्टेज आपके पास इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, और अर्ली वोल्टेज अगर इनफाइनाइट नहीं है तो फाइनाइट भी हो सकता है, और हाइब्रिड मॉडल में तो इनफाइनाइट होता ही था। ऊपर का रिजल्ट हाइब्रिड मॉडल है, बार बार उसमें हाइब्रिड लिख नहीं रहे। कॉमन एमिटर विथारी, कॉमन एमिटर विथारी में भी आर नॉट का आंसर इनफाइनाइट, आर नॉट का आंसर स्मॉल आर नॉट बन सकता है। अभी कोई डेटा सीट में अगर कोई अर्ली वोल्टेज इनफाइनाइट ना दे और फाइनाइट दे दे, बट अगर डेटा सीट में अर्ली वोल्टेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या इनफाइनाइट है, तो फिर ये भी इनफाइनाइट बनाने से कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए कॉमन एमिटर में जो इंटरनल जो पैरामीटर्स है आपके पास, जो बीजेटी का इंटरनल पैरामीटर स्मॉल आर नॉट होता है, वही आपके पास कॉमन एमिटर विदाउट आ रही या विथ आ रही का भी आंसर होगा। उसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वी अपन आई सी, वहाँ पर लिखा नहीं रिजल्ट, यहाँ पर आर नॉट इक्वल टू कितना, वी अपन आई सी, क्लियर। जब आंसर फाइनाइट है तो कुछ भी टफ वाला पार्ट नहीं, अर्ली वोल्टेज कोई देगा तो ठीक है फाइनाइट हो जाएगा, नहीं देगा तो इनफाइनाइट तो है इंटरनल। जैसा हम हाइब्रिड में जानते हैं तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो फोकस होता है आपके पास वो इनपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन पे आके रुक जाता है। इंटरनल करंट गेन बीटा बीटा दिया रहता है आपके पास, इसलिए कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सब कितना देखा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, हमारा हेडिंग क्या था, जनरलाइज मॉडल, और इन ब्रैकेट क्या लिखा था, आर ई मॉडल। वो स्मॉल आर ई कहीं आया अभी तक, स्मॉल आर ई कहीं आया, तो फिर वाई दिस स्मॉल आर ई मॉडल, वाई आर ई, आर ई स्मॉल आर ई कहीं तो नहीं आ रहे, आर पाई बोलते थे, आर पाई तो आया भी था, आर ई मॉडल स्मॉल आर ई, आर ई तो दिखाई नहीं, इतना बिग नेम आर ई मॉडल, वो आर ई कहाँ से आ गया, क्या आ रही, क्या था वो आर ई, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या था वो स्मॉल आर ई ऐसी कहीं तो दिख नहीं रहा हमको, पूरा रिजल्ट आ गया आपके पास कि हमारा माइंड में होना चाहिए ना, वो स्मॉल आ रही, वो लिखा है जो बार बार इतना बार बार हेडिंग डाल दे रहे, क्या वो, ठीक है तो चलो उसकी बात करते हैं।